मां भाग ना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे आप लोगों संतोष शर्मा सीसीटीवी फुटेज दिखाइए मतलब वो कैमरा लगेला ना इधर उससे पता चलेगा ना कि क्या हुआ होगा जाओ लेकर आओ हमें सतर्क रहना होगा कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि हम उर्मिला नहीं हसीना मलिक हैं मतलब कोई भी आएगा कोई भी आ जाए हमारे थाने में ना उनका जान पहचान होगा ना उनका आईडी लिया जाएगा उनको आने दिया जाएगा यहाँ पे नहीं मतलब जब पुलिस खुद ही अपने थाना में बेवकूफ बन रही है तो बाहर जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए हमको हमें क्या पता था कि वो पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं है अब पुष्पा जी आपको डीएसपी सर ने हेडक्वार्टर बुलाया ना कब जा रही है हाँ अभी जाएंगे आपकी डांट सुनने के बाद जाइए और फिर वापस मत आइएगा आप वहीं रहिए ठीक है वहाँ राजमा चावल बनाइए जो करना कीजिए वहाँ पर हम मास्क लगा के आए थे ताकि सीसीटीवी फुटेज में उनका नामो निशान ना पता चले वही हुआ नहीं पता कि कौन आया था कौन गया ये पक्का वही लोग थे ये वही लोग थे जो उर्मिला को मैडम सर समझ के ना यहाँ पर आए थे उर्मिला की जान लेने मैडम सर की जान लेने वही लोग थे इस मौके का हम कब से इंतजार कर रहे हैं सबको पता है यहाँ पर आज वो मौका हमारे हाथ में आया था तो हम यहाँ थाने में नहीं थे इनकी मैया का सासू भैया ये वही थे शर्तिया वही लोग थे हार्ड ड्राइव की तलाश में आए थे इसलिए पूरा थाना खंगाल गए नहीं मैडम वो सीसीटीवी फुटेज में भी जो फुटेज है उसमें तो देख रहे थे कि एक आदमी जो था उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था ठीक से चल भी नहीं पा रहा था लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था ऐसा लग रहा था कि अब बेहोश हो जाएगा तब बेहोश हो जाएगा नहीं सीसीटीवी फुटेज में है वो कहीं वो लोग हमें बेहोश करके किडनैप करने के प्लान से तो नहीं आए थे और सब कुछ उल्टा हो गया आखिर कौन है ये लोग और क्या है सबके पीछे उठ कुंभकर्ण पूरी बाल्टी भर के डालोगे तेरे ऊपर उठ जबर आज बाल बाल बच गए पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते अच्छा सुन मैंने कैप्टन को मैसेज कर दिया पुलिस थाने का कोना कोना छान मारा लेकिन हार्ड डिस्क नहीं मिला अच्छा किया अब आगे क्या करना और क्या करेंगे कैप्टन के अगले ऑर्डर का वेट करेंगे लगता है कैप्टन का अगला आदेश आ गया ले अपना मोबाइल और देख क्या है क्या हुआ क्या लिखा है कैप्टन ने पढ़ बताएंगे मैडम सर क्या चल रहा है हमने एक वीडियो देखा है जिसमें प्रियंका का रेकड़ी चोर साफ नजर आ रहा है सच्ची मैडम तो बताइए ना कौन है हम नहीं बताएंगे चोर खुद बताएगा आप तीनों में दो लोग बेकसूर हैं जो बेकसूर है उनके सामने जो टोकरी रखी है उसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन जो रेकड़ी चोर है उसके सामने जो टोकरी रखी है उसके अंदर बैठे लाए नाग देवता फन फैला के अभी तुम तीनों चुपचाप बता दो कि तुम में से रेकड़ी चोर कौन है अभी मैं इधर पांच तक गिनने वाली है और मेरे पांच गिनने के बाद तुम तीनों एक साथ अपना हाथ टोकरी में डालोगे और जिसने हाथ नहीं डाला वो क्या हुआ डरपोक चोर येड़ी चोर चोर हुआ वो चोर हुआ एक दो तीन चार पांच डालो हाथ
तो मैडम आखिरकार चोर कौन है? हमने ये आइडिया लगाया ये सोचकर कि असली चोर सामने आ जाएगा, पर ये आइडिया पंचर हो गया। अब भी कुछ और सोचना पड़ेगा। मैडम मैडम मेरी रेडी तो मिल जाएगी ना? मैडम वो रेडी एक लौता सहारा है मेरा और मेरी अम्मा का, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है मैडम। प्रियंका इत्मीनान रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी रेडी जरूर वापस मिलेगी। और उसके लिए अपने को जरा नया आइडिया सोचना पड़ेगा। आप लोग अभी जाइए। कर लिया मनमानी, निकाल ली भड़ास वर्दी की। हाँ क्या मिला ये करके? क्या समझती हो तुम, हसीना मलिक का चेहरा लेके पैदा हुई हो तो क्या हसीना मलिक बन जाओगी तुम? अरे फटाकड़ी कितना राड़ा करती है। तुम लोग सब जो है पुलिस वाली के दिमाग से सोच रहे हो, लेकिन मैं रेकड़ी वाली के दिमाग से सोच रही हूँ। यही तो फर्क है अपने में। नहीं मतलब क्या कहना चाहती हो साफ साफ कहो, हमें समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ भी। शांति शांतता ठेवा, समझाती हूँ मैं। पहले ध्यान से सुनने का फिर ताली बजाने का। तुम लोग ये बताओ मेरे को कि तुम में से किसी ने भी वो प्रियंका के फोन में जो उसकी रेकड़ी का फोटो है उसको ध्यान से देखा क्या? कैसी थकेली मरेली एकदम थर्ड क्लास रेकड़ी। तो अब सवाल ये है कि ये चाउमीन वाले और बिरयानी वाले का महंगा रेकड़ी छोड़कर ये चोर प्रियंका का थर्ड क्लास रेकड़ी काय के लिए चुराएगा? काय के लिए? रेकड़ी में उनको इंटरेस्ट है इच नहीं। चोर को प्रियंका का धंधा हमेशा हमेशा के लिए करने का है बंदा। गजब। अभी ये सोचो कि किसी कारण से प्रियंका की रेकड़ी फिर से चालू हो जाए, उसका धंधा मस्त डबल स्पीड पे चलने लगे, तो क्या होएगा? क्या होएगा? चोर की सुलगेगी, बत्ती लगा की लगेगी आग जलजला, और वो फिर से रेकड़ी चुराने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो रेकड़ी चुराने की कोशिश करेगा अपन उसको धर दबोचेंगे और सीधा डालेंगे लॉकअप के अंदर केस बॉल। क्या कर रहे हैं? क्या बोलती पब्लिक? प्लान तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि प्रियंका का कमाई डबल कैसे होगा मैडम? ऐसे कैसे? चला चला पटकन, मतलब जल्दी। मैडम ये क्या है? थाने का टेबल। अब क्या पुलिस वाले भी यहाँ दुकान लगाएंगे? तेरे को प्रॉब्लम है? हमने सोचा कि आप जब तक आपकी रेकड़ी मिल नहीं जाती तब तक आप इस टेबल पर अपना धंधा चलाएं। मैडम मैडम आपने मेरी बहन और भांजी के लिए जो किया है हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान वगैरह कुछ नहीं है, ये हमारा ही फायदा है इसमें। आपका फायदा? हम दरअसल आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि लंच में हमें 25-50 प्लेट छोले पूरी चाहिए और शाम के नाश्ते में हमें 15 प्लेट गोलगप्पा चाहिए। और तो वो आप अकेले ये ठीये पे तो नहीं बना सकते ना, तो आप किस पर बनाएंगे? ठीक है चला। संतोष शर्मा कैमरा लगा दिया। बताइए जहाँ पर हसीना मलिक बनना होता है वहाँ पर तो बनती नहीं है, आप यहाँ पर एक्टिंग कर रही हैं। अरे प्रैक्टिस चालू रखने का ना, तेरी बहुत नजर है मेरे पे। वो नजर बट को लगा दिया क्या? हाँ वो वहाँ पे वो खंभा दिख रहा है आपको, वहाँ पे लगा दिया है मैंने। बरोबर दिखा मेरे को। वो दिखो ना वहाँ पे वो जो खंभा नहीं दिख रहा आपको। अरे उससे क्या दिखता है वो दिखा मेरे को। सफेदी की चमकार सदाबहार, अब दिखा।
रहे थे वहीं से। धीरे धीरे। अब तेरा क्या होगा चोरिया? गुड जॉब। चल चिकने। चल तुझे हम नहीं है, यही है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर बहुत दिनों बाद इन लोगों में मूवमेंट हुआ है। ये लोग फर्जी आइडेंटिटीज लेकर पेस्ट कंट्रोल करने के बहाने यहाँ थाने आए थे। हार्ड डिस्क ढूंढना चाहते थे लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। कोई हैरानी की बात नहीं, हम दोनों जानते हैं कि ये हार्ड ड्राइव उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। हसीना मल्लिक पर बेशक गोली मीरा ने चलाई पर हम सब जानते हैं कि उसे कमांड किसी और ने किया था। कोई ऐसा शख्स जो न सिर्फ मीरा के बारे में जानता था बल्कि हर उस जगह तक उसकी पहुंच थी जहां से इस मिशन को अंजाम दिया जा सके। हाँ लेकिन कौन हो सकता है सर? मीरा के आखिरी दिनों में करिश्मा सिंह उसे कमांड किया करती थी, तो फिर वो शख्स करिश्मा सिंह क्यों नहीं हो सकती? सर आप क्या कह रहे हैं? करिश्मा सिंह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया, हर कोई उनकी देशभक्ति, अपनी वर्दी के लिए जिम्मेदारी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और हम करिश्मा सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं सर। सर वो ऐसा नहीं कर सकती। एक बार के लिए हम खुद पर शक कर सकते हैं सर, लेकिन करिश्मा सिंह ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हमने कहां सोचा था कि एक दिन सुबह देश उठेगा और एक पूरा का पूरा शहर आतंकवादियों के निशाने पर होगा। किसने सोचा था कि बारूद से भरा एक ट्रक पब्लिक प्लेस में घुसेगा और लाखों बेकसूर सिविलियंस को मार देगा? करिश्मा सिंह गद्दार है या नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल यह है कि वो कौन सा शख्स है जो हमारे डिपार्टमेंट में रहकर हमसे ही गद्दारी कर रहा है, और हमें अगर उस गद्दार का पता लगाना है तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन सभी को शक के दायरे में रखकर करनी होगी। करिश्मा सिंह हमारे लिए एक पोटेंशियल सस्पेक्ट है और जब तक उसे क्लीन चिट नहीं मिल जाती वो हमारे लिए एक पोटेंशियल सस्पेक्ट ही रहेगी। अंडरस्टूड? जी सर। पता लगाइए करिश्मा सिंह इस मामले में इन्वॉल्व है या नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। माँ क्या टोपा लोगों पे, एक अच्छा मौका मिला था सारा डंडा खत्म करने का, तुम वो भी नहीं कर पाए। माँ काम खत्म करना तो दूर, खुद घायल होके बैठ गए हो तुम लोग। हाँ ना, मतलब सारा सामान छोड़ गए, सोचा ये रायता कौन संभालेगा? नहीं 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 भैया, तुम्हारे बस का ही बात नहीं है। हम ढूंढेंगे दूसरे लोग जो हमारा काम एक बार में खत्म कर सके, समझे? तुम रखो फोन। ये सब चल क्या रहा है? क्या सच में करिश्मा सिंह इस सब के पीछे हो सकती है? आतंकवादी हमला। मैं। क्या रे? इतना सन्नाटा काहे के लिए इधर? आज किधर गए सब लोग? ये मेरे से त्रास होके सबने पहले ही नौकरी छोड़ दी। आ रहे हैं सब लोग, आ रहे हैं। अभी उन लोग के आने में वक्त है, थोड़ा सा, थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे मैडम। ओह, मतलब हम दोनों एक थाने में बंद हो और चाबी खो जाए? क्या क्या रे गाबरट, किधर जा रहे? अभी इधर थाने में अपन दोनों ही छे, तो चल मेरे केबिन में, चल मस्त बैठ के चाह पियेंगे, गप्पा मारेंगे, चल। कैसे बतिया देती हैं आप उमरिला जी? उर्मिला महादेव मात्रे। हाँ वो उमरिला महादेव मात्रे जी, देखिए हमको बहुत ज्यादा काम है, अभी आप जाइए। जी 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 जी, आज ही तेरे को इतना सारा काम है, काय के लिए रे? डबल पगार मिलने वाला है क्या? अभी तो बैठ के ऊंग रहा था इधर। अरे चल ना रे बाबा, उधर इतने बड़े केबिन में मेरे को अकेले बैठ के बहुत कंटाल आता है। अच्छा मेरे को एक बात बता, तू जिंदगी में कभी ना कभी तो शादी बनाएगा ना? आदि तो संत नहीं, कभी भी नहीं, सपना में भी नहीं। कल के लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या तेरे में? कुछ
अरे मतलब तेरा ऐसा दिल विल टूटेला है, जिंदगी से तेरा विश्वास उठ गेला है? कुछ नहीं गेला है, सब भला है, सब ठीक है हमारा। गजब, देखिए आप हमारे साथ ना ऐसे ही सब ये सब नहीं कर सकती आप हमारे साथ। क्या नहीं कर सकती रे? नहीं नहीं सांगमला, क्या नहीं कर सकती मैं तेरे संग? चीता क्या नहीं कर सकती मैं, बोल तेरी मला। अलकारे खाने जाएगी मैं तेरे को, टेंशन मत ले। खाने से याद आया मेरे को थोड़ी भूख लगी है, कुछ मस्त ऐसा गरम गरम नाश्ता लेके आ मेरे लिए। हम लाएंगे, अभी लाते हैं आपके लिए, अभी हम बाहर जाते हैं लाते। हटिए आप हटिए। चलो चीता को तो भेज दिया यहाँ से किसी तरह, अब इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए हमें करिश्मा सिंह की अलमारी और ड्रॉर्स की तलाशी लेनी होगी। बख्शी सर की तसल्ली के लिए इतना तो करना ही होगा हमें। क्या कर रही हैं आप? फाइनली तुम लोग थाने आई गए। अरे कुछ नहीं रे, मेरा थोड़ा ना पिज्जा खाने का मन कर रहा था, इसके लिए देख रही थी कि फाइल बिल में किधर पैसा छुपा के रखा है क्या। थोड़ा झूठी बोल लेती, मैडम सर की वर्दी में हूँ, तुम सरे आम चोरी चकारी कर रहे हो, कम से कम ये तो नहीं देखने को मिलता हमें, थोड़ा तो मान करो वर्दी का। तेरे आजू बाजू पूरा टाइम कैमरा रहता है क्या कि जब मन किया डायलॉग चिपका देती है? ए चटक चांदनी, नीट आइकुनगे, मैं तेरी मैडम सर के जैसी खाली दिखती है नहीं, इसलिए मेरे से ये शराफत बिराफत का ना उम्मीद करने का इच्छ नहीं। मैं तेरी हसीना मैडम जैसी पकाव नहीं है, मैं थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी थोड़ी तीखी सतरंगी है मैं पूरी। कौन? उर्मिला महादेव मात्रे, कर लगा। लीजिए अपना खाना लीजिए। ऐसा कैसा रे, थोड़ा प्लेट में डाल के चटनी कटोरी में डाल के केबिन में लेके आ। हाथ छोड़ो उसका। हाथ पकड़ ली। छोड़ो, जल्दी लेके आ रे नाश्ता। हम नहीं देंगे इसको अकेले नाश्ता देना, हम नहीं देंगे। संतु जी आप दीजिए, हम नहीं हम नहीं हम नहीं। क्या बोले कैप्टन? कैप्टन ने बोला है कि किसी भी कीमत पर कल सुबह तक हसीना मलिक को किडनैप करके हार्ड ड्राइव हासिल करना होगा। सीने इसके पैर तोड़ दिए अम्मा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे कौन हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया? और कौन होगा बहना, कौन होगा? यही है ये बिरयानी वाला बिल्लू और ये जलेबी वाला ललन और ये चाट वाला राकेश। तुम तीनों में से जिसने भी ये किया है ना, छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी ये नीच हरकत की है बहुत पछताएगा वो। हमें क्या जरूरत है तुम्हारी बहन की रेडी तोड़ने की? इतने खराब दिन हमारे नहीं है। तू नहीं किया है ये, मेरी बहन का मखाना सके। प्रियंका जा जल्दी से करिश्मा मैडम को बुला, फोन कर उन्हें, जा जल्दी से बुला, मैं संभालती हूँ, तू जा। तू हाँ। अरे काय त्रास से तुला देवी, दो समोसे इच तो खाई मैं, कौन सा दुनिया लूट ली उसकी, सब खाते हैं, सब पैसे भी देते हैं। तुम्हारी तरह नहीं वर्दी का दोष जमा के ऐसे मुफ्त में तुम पेल रही थी समोसे। हाँ कितनी बार समझाया कि वर्दी का मान और सम्मान करो। हाँ प्रियंका मैडम, आपने वो जो टेबल दिया था ना उसका किसी ने पाया काट दिया मैडम। का आप प्लीज यहाँ पर जल्दी आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, हम आते हैं, हम आ रहे हैं। हाँ मैडम। हाँ कैसा लो,
अम्मा हमने जो वो टेबल दिया था प्रियंका को उसका रेडी चलाने के लिए किसी ने उसके पाए काट दिया। क्या कौन है वो जिसके जिंदगी से ना संबंध खराब हो गए हैं, जो सीधा हमारे थाने से पंगा ले रहा है। उसको ऐसा उड़न खटोला बनाएंगे ना हम कि वो याद रखेगा किस महिला पुलिस थाने से उसने पंगा लिया। हम आते हैं प्रियंका के यहाँ। ओह चल चल चल। क्या कहाँ चल, तुम कहाँ आ रही हो? अरे मैं भी चलेगी ना, मैं SSO है। SHO, वेरी गुड। जब तुम फ्री के समोसे फेल रही थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम SHO हो? बदला ले रही है? नहीं, तुम्हारा गलती हम सुधार रहे हैं। गलती हमारा है जो हमने तुम्हें बाहर आने दिया। सबसे बड़ा जिंदगी का गलती हो गया हमारा। अब वो गलती हम गलती से भी नहीं दोहराएंगे, समझी? संतू, हमने तुम्हें खंबे पे पिंजरा लगाने के लिए दिया था, उसमें कोई चूहा फंसा कि नहीं जल्दी देखो तुरंत। नहीं नहीं मैडम, ये देखिए। नहीं मैडम, रात को लगता है काफी धुंध थी, इसलिए लेंस पे ओस की बूंदे जम जाने की वजह से सब ब्लर है। अरे तो उसके ऊपर एक छोटा सा छपरा लगा के रखने का ना, मैं अपनी रेगड़ी भी वही करती है। बे ये देखिए मैडम, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये देखिए, ये एक औरत आ रही है जिसके हाथ में आरी है, और ये टेबल का स्टैंड काट रही है मैडम, ये देखिए।